टुडे माय टॉपिक इज लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखण असमर्था। ये IQ तो अलावा उस होर भी सीखण विच कमी पाई जाती है। फर्स्ट डिसलैक्सिया। डिसलैक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिहड़ी सीखण विच पाई जाती है। तो इस विच बच्चा की हुंदा है दूसरे के मुकाबले सीख अक्सर अक्सर ये एक मन लर्निंग नाल रिलेटेड है। जो भी अस कोई लर्न करते हैं, जब बोलते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, कुछ भी लिखा होंदा जां छपी हुई समगरी अपने सामने विषय वस्तु नाल संबंधित होंदी है, वह उन दे विच बच्चा उसनों गलत पढ़ता है जां रुक रुक के पढ़ता है, तो उस नूं ज़्यादा चंगे तरीके नहीं पढ़ सकता। तो वह कई तरह के गलत भी शब्द बोलता है, जिस तरह वह सिक्स नूं नाइन रीड करता है, नाइन नूं सिक्स रीड करता है, इस तरह बी नूं सिक्स रीड करता है, जिवें बैट नूं कैट, कैट नूं बैट, टेन नूं की करता है उल्ट पढ़ता है, टेन नूं नैट पढ़ता है, NET नैट। इस तरह के जो डिसबिलिटी पाई जाती है उसनूं किया जाता है लर्निंग डिसबिलिटी। ये अक्सर ही कदा बच्चों में शुरू तो पाई जाती है। इस विच वो बोलने विच ही समर्थ होंदे ने, कई बार बोल नहीं पाते, कई बार वो उन्हें ऑब्जर्व गलत करते हैं और ठीक तरीके नाल पढ़ नहीं पाते। इस नाल संबंधित तो जो भी डिसबिलिटी पाई जाती है उसनूं की कहा जाता है डिलैक्सिया। नैक्सट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया एक स्पेसिफिक डिसबिलिटी है जिहड़ी हैंड राइटिंग नाल रिलेटेड है। एक मोटर स्किल्स है, अपने सही तरीके नाल हाथ काम नहीं करते, एक हैंड राइटिंग जिंदे विच असीं एलिजिबल साड़ी हैंड राइटिंग होंदी है, इनकंसिस्टेंट स्पेस होंदी है, स्पेस ज़्यादा होंदी है, कुछ घट होंदी है, स्पेशल प्लानिंग साड़ी घट होंदी, कोई प्रॉपर पुअर स्पेलिंग होंदा, डिफिकल्ट कंपोजिशन राइटिंग एज वेल एज थिंकिंग एंड राइटिंग इज सेम टाइम होंदी है, कंपोजिशन भी राइटिंग भी ठीक नहीं होंदी, उन्दे विच भी डिफिकल्टी होंदी है। इस विच की होंदे ने बच्चे सही तरीके नाल लिख नहीं सकते, तो लेख समझ भी नहीं सकते, समझ नहीं होंदी उन्हां नूं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एंकल नूं UNCLE नूं एंकल नूं की लिख लैंदे ने ANCLE, ऐस लिख लैंदे ने, ए नाल लिख लैंदे ने। इस जिवें बस नूं BUS, बस नूं BAS, बस लिख लैंदे ने। इस तरह जो भी डिसबिलिटी पाई जाती है वो सारी की होंदी है हैंड राइटिंग नाल डिसबिलिटी होंदी है, उसनों की कहा जाता है डिसग्राफिया। इस तरह डिसबिलिटी नूं डिसग्राफिया कहा जाता है। नैक्सट डिसकोलकलिया। डिसकोलकलिया की है, ये कैलकुलेट इस नाल डिसबिलिटी जो होंगे ने परसन होंगे ने, वो नंबरस नूं ते मैथ फैक्ट नूं चंगी तरह नहीं किदा समझ सकते, ते उन वो की होंगे ने मैथ नूं कंपर समझण विच, उन्हें सिंबल समझण विच असमर्थ होंगे ने, उन्हां नूं मेंबराइज नहीं कर पाते, नंबर नूं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, वो टाइम दसण विच असमर्थ होंगे ने, किसी तरह की काउंटिंग करने विच भी उन्हां समस्या आउंदी, जिवें कोई एडिशन करना, जोड़ करना, घटाओ करना, भाग करना, मल्टीप्लीकेशन करने विच भी उन्हां नूं प्रॉब्लम आउंदी है। इस नाल कि डिसकोलकलिया नाल संबंध कोई भी मैथमैटिकली कैलकुलेट नहीं कर पाते सही तरीके नाल, इस तरह के बच्चे करते हैं उन्होंने की किया जाता है डिसकोलकलिया नाल रिलेटेड डिसबिलिटी, क्योंकि इस बच्चे जो होंगे ने किसी भी डिजिट नूं उन्हें याद रखने विच भी उन्होंने प्रॉब्लम आती है, असमर्थ होंगे ने, गिनने विच उन्हें मुश्किल आती है, कोई भी कैलकुलेशन नाल रिलेटेड या मैथ नाल रिलेटेड गणित नाल कोई भी कार्य करने वे काम करने नाल वो की होंदे ने असमर्थ होंदे ने, उन्हां नूं समस्या आउंदी है, वो किदा सही तरीके सही ढंग नाल जां सही वे नाल उस नूं सॉल्व नहीं कर पाते जां उस नूं समझ नहीं पाते। जो भी इस नाल संबंधित बच्चे होंदे ने उस नूं किया जांदा डिसकोलकलिया। इस समस्या नाल जिन इस दी प्रॉब्लम होंदी जां इस नाल डिसबिलिटी होंदी उस नूं किया जांदा डिसकोलकलिया डिसबिलिटी। नैक्सट डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट एंड कोआर्डीनेशन लैंग्वेज एंड स्पीच। डिसप्रैक्सिया
ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਪੀਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਫੀਜੀਆ। ਡਿਸਫੀਜੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਨ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਕਨ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਡਿਸਪੈਜੀਆ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਟੀ ਨੂੰ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੇਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਨਲੀ ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਸਪੇਜੀਆ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਏ ਗਲੋਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਕੋਮਨ ਵੈਰ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਇਜ਼ ਏ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਟ ਕੋਮਨ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਥਰਡ ਇਹੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਮੋਸਟ ਕੋਮਨ ਬਿਲਟੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਪਾਈ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਪੇਜੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਪੇਜੀਆ ਡਿਸਬਿਲਟੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਵਾਚ ਮੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡੂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਸੀ ਯੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਬਾਏ ਬਾਏ।